नमस्कार, मैं दिव्यांशु डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। अमेरिकी सेना ने सोमवार को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के अंतिम दल की विदाई की घोषणा की। वहीं तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण करने के बाद अमेरिकी सैनिकों की विदाई के साथ 20 साल के संघर्ष का समापन हुआ। बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना की वापसी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की थी। मध्य कमान के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि मैं अफगानिस्तान से अपनी वापसी पूरी होने और अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए सैन्य मिशन की समाप्ति की घोषणा करने आया हूं। मैकेंजी ने कहा कि एक बड़े C-17 सैन्य परिवहन विमान ने काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काबुल के समय अनुसार आधी रात से 1 मिनट पहले उड़ान भरी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना की वापसी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की थी। इस्लामिक स्टेट खोरासन ने 2 सप्ताह के निकासी अभियान के दौरान 2 हमले किए। एक आत्मघाती बम विस्फोट में 13 अमेरिकी सैनिकों सहित 100 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच अंतिम उड़ान हुई। मैकेंजी ने कहा कि तालिबान दोनों पक्षों के बीच गहरी दुश्मनी के बावजूद निकासी और अंतिम उड़ानों के संचालन में बहुत मददगार और उपयोगी रहा है। अलकायदा द्वारा अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद 2001 में ही तालिबान को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिकी सैनिक नाटो गठबंधन के नेतृत्व में अफगानिस्तान आए थे। अमेरिकी सेना द्वारा 20 साल के युद्ध को समाप्त करने और उसके अफगानिस्तान से बाहर निकलने की पुष्टि के बाद काबुल में गोलियों की आवाज सुनी गई। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।